नमस्कार दोस्तों, 21 अप्रैल 2024 पीएम नरेंद्र मोदी एक भाषण देते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा में। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। कहते 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मोदी ने यहाँ तक दावा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह देश की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वाले लोगों और घुसपैठियों को बांट देगी। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? वहीं बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टिप्पणियों को पीएम मोदी गलत संदर्भ में पेश कर रहे हैं। That minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हार सुनिश्चित देखकर प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष और रूलिंग पार्टी के नेता बौखला गए हैं और ऐसे में वे ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आइए दोस्तों, आखिर जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये भाषण दिया है, ये मेरे हिसाब से तो नहीं सही। इससे ज्यादा नफरत का और कौन सा बयान हो सकता है? इससे ज्यादा तोड़फोड़ का और कौन सा बयान हो सकता है? हमारे सरकार आएगी तो हम इनके पालन पोषण करेंगे, लेकिन उसने कहा कि घुसपैठियों को बांट दें, वो देश हित के लिए बात कर रहा है मोदी जी। एक प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर, संवैधानिक पद पे खड़े होकर आप ऐसी बात कह रहे हैं कि घुसपैठिए जैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप, तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सरकार को बीते 10 साल हो चुके हैं और अभी मोदी सरकार के भी 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव के प्रचार में भी वही बातें गूंज रही है जो 2014 के आम चुनाव में सुनने को मिली थी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिहार में जंगल राज का जिक्र किए बिना कोई चुनाव अभियान शुरू ही नहीं होता है। ऐसा तब भी होता था जब लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन काल में होता था। 15 साल बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने 15 साल हो चुके हैं। सवाल ये है कि 15 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी आखिर बिहार में जंगल राज की चर्चा क्यों हो रही है? अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार के दौरे पर गए थे, उन्होंने भी वही रामायण चालू कर दिया, बिहार में जंगल राज है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की जाति दुश्मनी मुस्लिम मोड पर ही आकर खत्म होती है। कांग्रेस और बीजेपी शुरू से ही एक दूसरे पर जहर उगलते रहते हैं। ये तब भी होता था जब कांग्रेस मजबूत और बीजेपी कमजोर हुआ करती थी, और अब भी हो रहा है जब बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है और कांग्रेस जैसे तैसे उठने के लिए संघर्ष कर रहा है। अभी हाल ही में राजस्थान के बांसवाड़ा की चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाया वो पहले के मुकाबले ज्यादा घातक लगता है। अभी तक तो मोदी और बीजेपी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण के ही आरोप लगाते थे, लेकिन ये मामला तो 4 कदम आगे बढ़ता हुआ लगता है। मोदी का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट देगी। हालांकि मोदी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया है, लेकिन इशारा सिर्फ इन्हीं की तरफ मजबूत होता है। मोदी ने ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मोदी ने अपने इल्जाम को मजबूती देने के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कहते हैं, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यह पहली बार नहीं है जब मोदी ने कड़वी बात बोली है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में छत्तीसगढ़ की रैली में भी उन्होंने कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग पर यही बयान दिया था। 2006 में भी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने मनमोहन सिंह के इसी अधूरे बयान को गलत तरीके से कोट करते हुए सार्वजनिक रूप से निंदा की थी। मोदी के इसी बयान पर यूथ कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा, हार की बौखलाहट के चलते खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री नफरत के बीज बो रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के 18 साल पुराने अधूरे बयान को मिसकोट कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग नतमस्तक है। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा, इस लोकसभा चुनाव में हार सुनिश्चित देखकर प्रधानमंत्री, भाजपा अध्यक्ष और रूलिंग पार्टी के नेता बौखला गए हैं और ऐसे में वे ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए मोदी इसे अर्बन नक्सल वाली सोच बताते हैं और कहते हैं कि मेरी माताओं बहनों का मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, इस हद तक चले जाएंगे। हमारी बहनों के पास सोना कितना है, उसका मंगलसूत्र
कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे। उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी ने यह भी कहा कि पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनको ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, आपको मंजूर है? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी को चुनौती देते हुए कहा, जब 2006 में मनमोहन सिंह भाषण दे रहे थे उसमें हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो दिखाइए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मनमोहन सिंह के अंग्रेजी भाषण में पहला हक या पहला अधिकार जैसा कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए घुसपैठियों और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले जैसे वाक्यों का इस्तेमाल किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मोदी सरकार के पास देश के वोटर को बताने के लिए तमाम उपलब्धियां हैं, फिर भी बीजेपी को चुनाव में अन्य मुद्दों की जरूरत क्यों पड़ती है? जब बीजेपी ये चुनाव मोदी की गारंटी पर लड़ रही है तो भला चुनाव में ऐसी चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है? मान लेते हैं कि कांग्रेस को जैसे तैसे सत्ता में वापसी करनी है, जैसे भी मुमकिन हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर उनकी लोकप्रियता को काउंटर करना है। सूट बूट की सरकार और चौकीदार चोर से लेकर नफरत की दुकान तक कांग्रेस बारी बारी हर संभव उपाय आजमा रही है। हाँ, ये बात अलग है कि उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है, इंडिया गठबंधन तो बस नाम भर का है। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन के मंच पर आ जाने से कुछ नया नजर आने लगा है, लेकिन बाकी तो मामला वैसे ही पुराना है। पुराना झगड़ा जहाँ का तहाँ बना हुआ है। मोदी को गुजरात दंगों में क्लीन चिट मिल जाने के बाद भी कांग्रेस अब भी उसी चीज को उनकी कमजोर कड़ी मानती है। ये बात अलग है कि अब कांग्रेस नेता मौत का सौदागर जैसी बातें नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने के दावे में भी भाव तो वही है। देखा जाए गुजरात के दंगे का मामला जंगल राज विमर्श से भी पुराना है। गुजरात में दंगा 2002 में हुआ था, उसके बाद भी बिहार में नीतीश कुमार ने जंगल राज को मुद्दा बनाया। ये गुजरात का ही मामला था जिसकी वजह से नीतीश कुमार को 2013 से पहले लगता था कि एनडीए में मोदी की जगह उनको तरजीह ही मिलेगी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। तभी तो बात गरीब की थाली छीन लेने से लेकर डीएनए में खोट तक बात पहुंच गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पार्टी के मैनिफेस्टो पर हो रहे विवाद और प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों पर जवाब दिया है। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि वे गैर बराबरी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, बल्कि सिर्फ ये कहा कि पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। कांग्रेस सांसद ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर घबरा गए हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।